आज राज किचन रेसिपी में बनाएंगे भिंडी और आलू। भिंडी आलू की ऐसी मजेदार लजीज और ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि उंगलियां नहीं प्लेट भी चढ़ जाएंगे। वो मेरे घर में दोस्तों भाई साहब गर्मी में भिंडी तो भिंडी आती है जो घर में बच्चों को इतनी पसंद है, टिफिन में दे दो, मतलब तीन बार उन्हें भिंडी दे दो, कल की भिंडी भी दे दो, गर्मी में तो सब्जियां ख़राब हो जाती है, फ्रिज की भिंडी भी दे दो, भिंडी दे दो, कैसे भी उनको भिंडी दे दो। और भिंडी आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, मज़ा आता है, चिपचिपी भी नहीं बनेगी 1% भी और मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ हमने 500 ग्राम भिंडी ली थी और यहाँ पर हमने लिए है 4 मीडियम साइज़ के आलू। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, अरे हमारी भिंडी के लिए चाहिए हमें पानी, जो है सबके जिंदगानी, जहाँ में डाल देते हैं भिंडी और भिंडी को रगड़ रगड़ के धो लेते हैं। एक बार में काम नहीं होगा, दूसरी बार और धोनी पड़ेगी। ये रगड़ के धोली है और ये देखिए यहां पर भिंडी और देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। एक बार और धोएंगे इतना ही गंदा होगा पानी। तो अब क्या करते हैं, भिंडी को एक बार धो लेते हैं, धोने के बाद में से एक साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं और थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे सुखा लेते हैं, तो ही आएगा मजा। भिंडी हमने धोकर और पोंछ कर सुखाने के लिए रख दिए 10 मिनट के लिए। ये अब आ रही थी बारी आलू की, अब आलू काट लेते हैं। कैसे काटना है, कैसे भी काट सकते हैं, तो हम इस तरीके से काटेंगे, देखिए ऐसे पतला पतला और उठाया और ये पानी में, ये उठाया ये पानी में, इस तरीके से आलू काट लेते हैं हम। क्या बात है, ये बात, ये देखिए, ये लीजिए। अब ऐसे क्यों काट रहा हूं मैं, इसका भी आपको रास्ता बताऊंगा क्यों काटा मैंने ऐसे। एक आलू काटते ना ऐसे, ऐसे काट के 4 पीस कर दिए, वो नहीं करना है। ये देखिए अब इनको एक बार रगड़ के धो लेना है और पानी चेंज कर देना है। ये देखिए दोस्तों भिंडी अच्छे से सुखा ली हमने, इतनी मेहनत करोगे तो मजा आएगा, चिपचिपी नहीं बनेगी, थोड़ी बहुत भी नहीं बनेगी। क्या करना है, भिंडी लेनी है, ये वाला हिस्सा काट देना है और पूंछ काट देनी है और इसको 1 और 2 3 पीस कर देने हैं। ये काट देना है, ये काट देना है, ये छोटी है 2-2, ये काट देना है, ये काट देना है 1-2। फटाफट पहली फुर्सत में ऐसे भिंडी काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों भिंडी कट गई है और यहां पर निकले हैं इतने सारे डंठल। चलिए अब देखता हूं, 500 ग्राम भिंडी ली थी और ये डंठल लिए थे, देखता हूं कौन कौन घर पे बनाता है और किस किस का IQ लेवल बैलेंस है और मतलब हाई है कि ये आधा किलो भिंडी में से ये कितने निकले हैं और इसका वजन कितना, इसका कितना वजन है, बताओ देखता हूं मैं। और यहाँ पे आलू भी हमने धोकर वापस डाल दिए हैं। चलिए अब बता देते हैं आपको क्या क्या मस्त वाली सामग्री डालने वाली है मसालेदार बनाने के लिए। वापस से ट्रे ले लेते हैं, डाल देते हैं इसके अंदर
अपने आप में ये चिपचिपी होती है, काटेंगे ना जब तो चिपचिपापन आएगा ही आएगा। ये लीजिए, भिंडी आलू बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए इतनी सारी सामग्री, और यहां पर है सीक्रेट सामग्री जो स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने की, लास्ट के अंदर डालेंगे इसको और मजा ही आ जाएगा दोस्तों। यहां पर अजवाइन डालना बहुत जरूरी है, तो 8 से 10 पिंच हमने अजवाइन लिए, बाधी करती है भिंडी इसलिए। और एक बड़ा चम्मच, ये देखिए इतना धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, और एक काफी बड़ा चम्मच यमरी कश्मीरी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच एक छोटा चम्मच काला नमक, नॉर्मल वाला नमक स्वाद अनुसार, 3 हमने टमाटर लिए, जितना बीज निकला निकाल दिया, थोड़े बहुत रह गए जाते हैं, पूरे निकलते नहीं, और छिलका पूरा छील दिया और इनको इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ हमने लिए 4 प्याज जिसको हमने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है, यहाँ लिए हमने 5 हरी मिर्ची जिसको हमने गोल गोल काट लिया है, राई नहीं डालेंगे, राई को करते हैं स्कीप। यहाँ पर लेंगे एक छोटा चम्मच या आधा चम्मच जीरा, और एक छोटा चम्मच हींग पाउडर। यहाँ पर चढ़ा दिए सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई, कढ़ाई को होने देते हैं गरम। कढ़ाई हो गई अच्छे से गरम, पूरा 5 से 6 चम्मच तेल डालते हैं शुद्ध मूंगफली का, नो रिफाइंड, 2 ऑयली वाले, यहाँ एक बूंद डाल सकते हैं और पानी में भी बना सकते हैं, मेयोनीज भी डाल सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, तेल को होने देते हैं गरम, और ये आलूओं का पानी निकाल लेते हैं, ये निकालना बहुत जरूरी है। ओ गिर गए, तेल हो गया हमारा अच्छे से गरम, बढ़िया से फर्स्ट क्लास तरीके से। अब आप लोग सोच रहे हो क्या डालोगे क्या डालोगे क्या डालोगे, सिर्फ और सिर्फ जीरा डालेंगे। हल्का सा तड़का लगने देना, बस हल्का सा, जलाना नहीं है यहाँ पर जीरा। आप थोड़ा ज्यादा जीरा भी ले सकते हैं, मैंने कम डाल रहा हूं, उसका भी एक कारण है दोस्तों। यह देखिए इसको बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन, हल्का सा जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए ना जीरा हमारा, सबसे पहले हमें भिंडी डाल देनी है, भिंडी मारानी। मेरे दोनों बच्चों की नहीं, मेरे चारों बच्चों की फेवरेट है, यानी मेरी सिस्टर के जो बच्चे हैं ना उनकी भी भिंडी फेवरेट है और मेरे दोनों बच्चों की भिंडी फेवरेट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे फ्राई करना है। गैस देखिए हाई फ्लेम पर है, हाई फ्लेम पर 4 मिनट से 3 मिनट या 4 मिनट इसको ऐसे चलाना है रेगुलर, थोड़ा छोड़ देना है फिर चलाना है, इस तरीके से 3 से 4 मिनट चला लेंगे। ये देखिए दोस्तों हाई फ्लेम पर 3 मिनट से 4 मिनट जब आप चला लें इस तरीके से पलट पलट के, उसके बाद गैस को करना है लो फ्लेम पर और भिंडी महारानी निकाल लेनी है। यहाँ पर तेल अच्छे से निथार देना है और भिंडी डाल देनी यहां पर, यह देखिए दोस्तों पूरी भिंडी निकल गई है। गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर, सीधा सिंपल डाल देते हैं इसमें अलुआ, आलू डालते हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन और थोड़ा सा नॉर्मल वाला नमक, इतना आलू जल्दी गल जाएंगे इसलिए,
और इसको भी 5 मिनट चला लेंगे, पूरा 5 मिनट इस तरीके से रेगुलर 5 मिनट चला लेंगे। थोड़ा छोड़ देंगे, थोड़ा पकने देंगे, हल्के से गोल्डन मतलब हल्का सा जैसे लगेंगे ना जब आलू पक गए, यानी आलू यहाँ पे आपको पकाने हैं करीब करीब 70% to 80%। ये देखिए सुने, ये देखिए दोस्तों सुनहरा सुनहरा कलर आ गया ना, ये देखिए टूटने भी लग गए हैं। बस अब गैस को करते हैं बंद हाल फिलहाल, और ये आलू भी निकालने हमें तेल निथार के। अब आपको लग रहा होगा यार कढ़ाई में तो बहुत सारी चीजें चिपक गई, तो कुछ भी नहीं चिपका है, आलू का स्टार्च चिपक गया है। निकाल लेते हैं पूरा। ओहो फिर एक और गिर गया, ये आलू चाहता गया आज। ये लीजिए यहां पर आलू। अब क्या करते हैं वापस से गैस को ऑन कर देते हैं। तो देखिए गैस ऑन करने के बाद में देखिए ये थोड़ा जलने लगेगा, जलने लगे जैसे ही डाल देनी है इसके अंदर प्याज। अब यहां प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, यहां पर प्याज को हल्की गुलाबी करना है। क्या करना है दोस्तों, गुलाबी, हल्की सी गुलाबी करना है प्याज को। और ये लच्छे जब तक खुलेंगे ना, देखिए आधे तो खुल ही गए, चलाते रहते हैं 2 से 3 मिनट लगेगा। आपको लग रहा है ये नीचे चिपका हुआ, ये सब स्टार्च है, तो ये आपकी रेसिपी सब्जी खराब नहीं करेगा और स्वाद बढ़ा देगा। ये देखिए दोस्तों प्याज सॉफ्ट भी हो गई है, हल्की गुलाबी भी हो गई है, येलोनेस आपको लग रही होगी वो तेल की वजह से और हल्दी की वजह से लग रही है। और देखिए कितना जल गया। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, 50 ml के आसपास पानी डाल के मिला लेंगे, तो ये स्टार्च है ना पूरा छूट जाएगा। काम में लेते हैं हमारा झावा। ये देखिए कढ़ाई हो गई साफ, गैस करें ये लो फ्लेम पर, सारा स्टार्च देखिए छूट गया है, क्या बात है। और लहसुन और अदरक भूल के भी नहीं डालें अगर आलू और भिंडी बना रहे हैं तो। अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, गैस को करेंगे हाई फ्लेम पर, क्योंकि आलू थोड़े मीठे लगेंगे, भिंडी भी थोड़ा मीठापन होता है, तो थोड़ा सा चलाएंगे बस हाई फ्लेम पर 2 मिनट हरी मिर्च को। ये देखिए 2 मिनट हरी मिर्ची को हाई फ्लेम पे चलाने के बाद में गैस को लो फ्लेम पे करते हैं, और अब डाल देते हैं इसमें हींग, हींग जी हींग महारानी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, और 1 काफी बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच चटकारे के लिए काला नमक, और 1 छोटा चम्मच सी सॉल्ट नॉर्मल वाला। अब मिलाते हैं, ये देखिए मिला लिया। अब पानी जो था जो सब कुछ था वो सब हो गया है बैलेंस, गैस को हाई फ्लेम पर करते हैं, हाई फ्लेम पर 1 मिनट और चला लेते हैं। हल्का सा भी जो पानी बचा है वो भी हमें सिजाना है। सिजाने का क्या मतलब होता है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, किस किस को पता है। बस 1 मिनट हो गया है, अब डाल देते हैं इसके अंदर भिंडी और आलू। अब मिलाते हैं, गैस को करते हैं लो फ्लेम पर,
ये प्याज और भिंडी का कॉम्बिनेशन और आलू के साथ में इतना मज़ा आएगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। और अभी तो हमारी एक सीक्रेट सामग्री बाकी है, वो डलेगी तो और मज़ा आ जाएगा। तो अब भी हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। मिला लिया, ये लीजिए गैस लो फ्लेम पर है। अब सीधा सिंपल इसमें टमाटर डाल देते हैं। वैसे आप इस पर नींबू भी डाल सकते हैं पर टमाटर का टेस्ट थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। अब इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। मिलाना कैसे है कि टमाटर आपके छुपे हुए रहने चाहिए, छुप जाने चाहिए टमाटर, कोशिश यही करें। ये लीजिए और एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। लो फ्लेम पर एक मिनट हो गया है, एक मिनट से थोड़ा ज्यादा हो गया है, ज्यादा नहीं रखना वरना क्या होगा, लग जाएगी और लगानी नहीं है। मिला लेते हैं। अरे टमाटर है ना, मेरे बच्चे है ना, निकाल देंगे, खाएंगे नहीं, पता नहीं क्यों। ये लीजिए, ये तो हो गया। अब सीक्रेट सामग्री ये रही, दो मूंग दाल पापड़, इनको रोस्ट नहीं करना है, इनको क्या करना है, एक छोटा मिक्सी का जार लेना है और इनको तोड़कर इसमें डाल देना है। देखिए दोस्तों दो ही हैं, ये देखिए तोड़कर इसमें डाल देना है और इसका बना लेना है पाउडर। ये देखिए पाउडर बना लिया, ये डाल देंगे। पाउडर डालने के बाद मिला लेना, अब देखना है। वैसे भी खिली खिली बनी है वैसे आपको, पर ये स्वाद बढ़ा देगा, 1000 गुना टेस्ट बढ़ा देगा भिंडी का। और अगर भिंडी आपकी टेस्टी नहीं बन रही है तो टेस्टी कर देगा, और क्या मज़ेदार आपकी रेसिपी बनेगी। क्या आपसे अगर जो भी खाएगा ना दोस्तों, ये पूछेगा यार भिंडी इतनी टेस्टी कैसे लग रही है, क्या आपने कुछ डाला है इसके अंदर, बताओ ना क्या डाला है। तो बस अपना सीक्रेट रखना और रात को याद रखना। यह देखिए खिली खिली भिंडी, यह देखिए कहीं आपको लार दिख रही तो मुझे बता दो दोस्तों, देखिए कहीं भी लार दिख रही हो तो, नहीं है ना। चलिए फाइनल स्टेप क्या है, 50 ग्राम बारीक कटा हुआ आधा धनिया, और कच्चा पसंद है तो ऊपर से गार्निश कर सकते हैं थोड़ा सा जब भी सर्व करें, और सर्व करते समय क्या करें, थोड़ा सा नींबू और निचोड़ दें, ओहो हो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। ये लीजिए मिला लेते हैं, गैस को हाई फ्लेम पे करके 1 से 2 मिनट और चला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हाई फ्लेम पर 2 मिनट चला लिया हमने, अब गैस बंद कर देते हैं। और ये भिंडी आलू, आलू भिंडी की बिल्कुल यूनिक मजेदार रेसिपी बनकर तैयार है। मेरे चैनल पर अभी का रेसिपी उन्हें देखिए, बनाइए खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो चलिए जो बनाइए आज आलू भिंडी, भिंडी आलू, उसे खाकर खत्म करते हैं गेहूं के आटे से बनी हुई तंदूरी रोटी के साथ।